शहर की खान कॉलोनी में मकान में धमाका होने से बच्चे सहित 3 लोग घायल हो गए। इसके साथ ही पड़ोस के 4 घर भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। कई किलोमीटर दूर तक धमाके की आवाज गूंजी। गैस लीकेज होने से यह हादसा हुआ। खान कॉलोनी स्थित एक मल्टी में गुरुवार सुबह करीब 8:30 बजे अचानक जोरदार धमाका हुआ और मल्टी के पहले फ्लोर का सामान पूरे घर से बाहर फैल गया। वहीं धमाके में पहले फ्लोर पर रहने वाले 3 लोग घायल भी हो गए। आसपास के रहवासियों का कहना है कि सिलेंडर फटने के कारण यहां धमाका हुआ। मौके पर पुलिस के साथ ही फायर ब्रिगेड भी पहुंची। वहीं घायलों को पहले सिविल हॉस्पिटल लाया गया, जिसके बाद उन्हें इंदौर रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार खान कॉलोनी स्थित फिरोज की मल्टी में किराए से रहने वाले समीर के फ्लैट में ये धमाका हुआ, जिसमें समीर, उसकी पत्नी और उसका 2 वर्षीय बालक भी गंभीर रूप से घायल हो गया। धमाके से घर का सामान बाहर आ गिरा, जिसमें एक बालक भी दब गया। आवाज़ सुनकर बाहर निकली महिला बालक को अस्पताल ले गई, जहां से उसे इंदौर रेफर कर दिया गया है। सूत्रों के अनुसार घटना संदिग्ध लग रही है, क्योंकि सिलेंडर फटने के कोई निशान नहीं दिख रहे। वहीं धमाके की आवाज़ 1.5 किलोमीटर तक सुनी गई। पुलिस की टीम जाँच में जुट गई है। देखिए, इस वक्त मौजूद है हम खान कॉलोनी में। आपको बता दूं, आज खान कॉलोनी के निवासियों की सुबह जो हुई है वो एक जोरदार धमाके के साथ हुई। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, हमारे पीछे जो एक मकान है, इस मकान के अंदर गैस लीकेज के कारण एक बड़ा धमाका हो गया था। इसके कारण पूरा आसपास के मकानों की अगर बात करूँ तो आसपास के जितने मकान थे पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है इंदौर से आए अधिकारी, उनसे जान लेते हैं। सर, जब आपने निरीक्षण करा तो क्या पाया गया? जब मैं इस घटनास्थल पर पहुँचा और मैंने घटनास्थल को देखा, तो चूँकि पूर्व में मेरे पास एक्सपीरियंस है कि गैस की टंकी के काफ़ी सारे विस्फोट हुए हैं और उसमें घटनास्थल कुछ ऐसा ही होता है। उसके बाद मैं गैस की नली को चेक किया तो गैस की नली में चूहे द्वारा कुतरी पाई गई, तो वह क्लियर हो गया कि ये घटना गैस का रिसाव होने से हुई है। और दूसरा, अभी अभी मुझे पता चला कि उस महिला ने जो इस घर में रहती, उसने बताया कि जब मैंने खाना बनाने के लिए गैस जलाया तो उसी समय भपका उठा और ये विस्फोट हुआ। तो ये दोनों चीज़ें मैच भी हो रही हैं। ठीक है, तो आपको एक चीज़ बता दूं कि हमारे साथ यहाँ पे मऊ DSP भी मौजूद है, उनसे जान लेते कि सर आसपास के जो घरों पर नुकसान हुआ है और देखने में भी आया कि काफ़ी बड़ा धमाका था, तो आपने जब यहाँ मौके पे आए तो क्या जांच की गई? जांच यही की है कि जो नुकसान हुआ है, लोग जो है अपना गैस को जब चालू करते हैं और भोजन वगैरह बनाने के लिए चालू करते हैं तो रेगुलेटर के पास जो एक नॉब दिया है उसको ऑन करें और फिर अपना खाना बनाएं। जब गैस को बंद करना है तो ऊपर से उसको बंद कर दें ताकि इस तरीके की घटनाएँ नहीं हो। वो ये होता है जनरली कि लोग जो है वहाँ रेगुलेटर के पास से उसको ऑन ऑफ करते नहीं है और गैस को जो है बटन से चालू करके बंद कर देते हैं। चूहे ने कुतर दिया, गैस का रिसाव हुआ और रिसाव होने के कारण पूरे उसमें भर गई। जैसे ही कहीं ब्लिंक हुआ और या कोई इलेक्ट्रिक ऑन किया ऑफ किया तो उसको तो जरा सी हल्की सी चिंगारी मिलती है तो भभक जाती है। उस पे से ये विस्फोट हुआ। नाश्ता बना रहे थे, गैस की टंकी ब्लास्ट हो गई। बस नाश्ता बना के आती टंकी। कितने लोग घायल हो गए इसमें? ये अभी पता नहीं वहाँ पे कितने निकले, ये बोल रहे 5-7 ही। बाकी मेरे को तो ये भाई गुड़िया इसकी पत्नी और इसको ही लेके आई। आपको बता दूं कि अगर जब ये विस्फोट हुआ था, गैस के कारण विस्फोट हुआ, इसके साथ आसपास के इतने तमाम मकान हैं, इन तमाम मकानों में भी क्षति पहुंची है। और सुबह जब ये पॉइंट आया था, पॉइंट ये भी सामने आया था कि इस धमाके की आवाज़ पूरे 4 किलोमीटर एरिया में सुनाई दी थी। कैमरा पर्सन अंकित धनोलिया के साथ अंजित मोनू बाथम, रेड TV महू।